हमारे साथ जी एक शौकीन मौजूद हैं इन खूबसूरत जानवरों के। हम उनसे पूछेंगे कि ये उन्होंने जानवरों की कलेक्शन कहाँ से की है और कितना इन पे ख़र्चा आता है और कितने में ये फ़रोख्त करते हैं, आया इन्होंने शौक़ के लिए रखे हुए हैं या कि फ़रोख्त करते हैं कुर्बानी पर, आइए हम उनसे पूछते हैं। ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल गफूर है तो ये असा घिनम दे रहा हूँ, मकसद लाहौर में घिनाए उतों वन तो कोई 50 दी 60 दी 70 दी असी लख लख तक खरीद कर खावन कि इन को खवे तो असा चने चौकड़ आटा मिलाकर खल ते टुकड़े, ठीक है ना। असं ओला कराची घिन वो कराची इनको भी चेंदू देखो नाल बहुत अच्छा कारोबार है, इन्हें बच्चे कोई यही कोनी हलाल माल कर दे के ते बरकत बहुत है, ठीक है ना। सही तो अलहमदुल्ला चुन चुन तो घिनम दू कि हल्किया फुल्किया कालिया नहीं घिनम दे या सावे नहीं घिनम दे रंग बिरंगी वन तो उसका गोलन से बोल के नहीं घिनम दे रहा। तो इतों की पीढ़ी तो बने दे या कि दूर दूर तो यह सुना असा मैं लाहौर, अच्छा लाहौर घिनम दू जग घिनम दू असा शेख मान घिनो, ठीक है ना। सही शेख मान घिन उनको पालियो से चंगी रू चने समान घिन घ्यू सब चीज खवा दी तैयार हो बेचन से वाला मन ब्याह घिन आए। अच्छा है, तुसा कितने दी एक आंदी है मिसाल तौर ते ए जकी खड़ी है चिट्टे रंग दी? हां जी मैं तो को दिखावा ए कितने की दी तुसा आंदी है? ए सुना मैं आंदी हम 60,000 रुपए दी। अच्छा, ठीक है ना। सी ओ परली आंदी हम 2 घर 40,000 रुपए दी, जेडी ए खड़ी है एक दी हम 65,000 दी, सुनी जेडी परो खड़ी है ओ की दी हम 3 घर 70,000 दी। अच्छा, ए कुर्बानी ते तुहारी अल्लाह करे से अच्छी वेक वैसे कितने तक मैक्सिमम तुहारा इरादा है कि कितने तक बेचे सो? सी एक जोड़ी तो तने को 3 लाख रुपए देने मैं उनको हार नहीं करना चाह। अच्छा, मकसद मेरा इरादा है मेरे 50 दा 50 बेच बच्चे जे रहे 7 लाख दे बिकने चीज है। अच्छा जी, कितना है ते खर्चा तुसा साल दा कितना कर वेंदो तकरीबन? खर्चा सी चंगा थी वेंदे हिसाब सर लिखे दे ता हेसे कोना इमे बड़ आन गाणवा पाती हम दू अल्लाह पाक रिजे केंदे विच ओ सारे अकल नाल चंगा दे दे। जी तो नाजरीन साहब, जिन्होंने जो है ये जानवर खूबसूरत रखे हुए थे, हम आपको ये जानवर भी दिखा रहे थे और इनका जो है इन्होंने मुकम्मल बताया कि इनका कितना खर्चा आता है और कहाँ से ये जानवर आते हैं। ये खूबसूरत भैंस भी इनके पास मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे कि ये भैंस कौन सी नस्ल की है। ये भैंस बताएं कितनी कौन सी नस्ल की है भैंस? रावी नीली की भैंस है। अच्छा, ये कितने की आप लेकर आए हैं? आपनी अपनी छोटी बच्ची वाली अपनी अपनी भैंस की थी, अपनी इसकी माँ बेची थी 2,20,000 की। अच्छा, हाँ ये अब आप फरोख्त करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, ये नहीं फरोख्त करेंगे आप। आप मिसाल के तौर पे मैं खरीदना चाहूँ तो आप इसके कितने पैसे लेंगे? नहीं, इसका 2.5 लाख तो आपको देते हैं, मैं बेचनी भी नहीं है। अच्छा अच्छा जी, हाँ चलो ठीक है, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है आपके रिज़्क में जो है इजाफा करे और आपका जो है ये कारोबार जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। नाज़रीन, ये तो हमारे बुज़ुर्ग थे जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई और उन्होंने जो है खूबसूरत जानवरों के बारे में हमें बताया भी। ये खूबसूरत बछड़ा है, हम इनसे पूछेंगे कि ये किस नर है या मादा है और ये इसका कोई रेट वगैरह भी लगा है? जी बताइएगा। इसका रेट जनाब 70,000 रुपये दे रहे हैं, अभी नहीं देती। अच्छा, 70,000 रुपये का ये बच्चा ये कितनी उम्र का है? ये बच्चा है 40 दिन का। 40 दिन के बच्चे का 70,000 रुपया? जी हाँ। चलो हम आपके शौक को सलाम करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए मंठार न्यूज़।